Good morning, kids. I wish you all are healthy and happy with your parents. Kids, today I will tell you about season. Do you know what is the meaning of season? Season means mausam. In our India, हमारे इंडिया में बहुत सारे मौसम होते हैं, बहुत सारे seasons होते हैं, right? Which is very interesting, जो बहुत मज़ेदार होते हैं, हमें हर season में बहुत मज़ा आता है. Okay, so today's our topic is season. So firstly, I will tell you there are 5 season, which is spring, summer season, monsoon, autumn and winter. Okay, how many seasons are there? 5 seasons. Kaun-kaun se season hote hain? Spring season means vasant ritu. Summer season means garmi wala mausam, right? Abhi summer season start ho gaya hai na, garmi wala mausam ho gaya hai, right? After that, monsoon season means rainy season. Okay, rainy means barish wala mausam. Next is autumn season. Autumn means patjhad. जब बहुत सारे पत्ते गिरते हैं अपने ट्रीज पे से, ओके, वो होता है ऑटम सीजन. लास्ट इज विंटर सीजन. एवरीवन नोज इट, राइट? आप सबको पता है ना विंटर सीजन कौन सा होता है. विंटर मींस सर्दी, राइट? सो लास्ट इज विंटर सीजन. ओके किड्स, इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट ओनली 2 सीजन्स. ओके, मैं आपको 2 सीजन्स के बारे में बताऊंगी, विच इज स्प्रिंग सीजन एंड समर सीजन. ओके, मैं आपको 2 सीजन्स के बारे में बताऊंगी, स्प्रिंग सीजन और समर सीजन्स के बारे में. एंड नेक्स्ट 3 सीजन आई विल एक्सप्लेन इन आर नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, बाकी के नीचे वाले 3 सीजन्स के बारे में मैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज spring season. Spring is the season which arrives after winter and before summer, right? Spring season means vasant ritu. आपको पता है वसंत ऋतु कब आती है? Winters के बाद and summer से पहले. Means winter means सर्दी, सर्दी के बाद, और summer means गर्मियों से पहले, right? अभी जब सर्दियाँ ख़त्म हुई थी तो कौन सा सीज़न स्टार्ट हुआ था? स्प्रिंग सीज़न. ओके, ड्यूरिंग स्प्रिंग सीज़न डेज बिकम बिट लॉन्गर एंड वेदर बिकम प्लीजेंट, राइट? स्प्रिंग सीज़न में क्या होता है, डेज थोड़े से बड़े हो जाते हैं, मींस दिन थोड़ी देर तक रहता है ना? और वेदर कैसा हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है. स्प्रिंग सीजन स्टार्ट ऑफ फेब्रवरी टिल मिड ऑफ अप्रैल. ओके, स्प्रिंग सीजन कब स्टार्ट होता है, फेब्रवरी से, और कब तक रहता है, अप्रैल मंथ तक. ओके किड्स, फेब्रवरी मंथ होता है ना, तब हमारा स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है ना. फेब्रवरी मंथ से हमारी वेदर में कैसा हो जाता है, थोड़ा चेंज होता हो जाता है, सर्दी थोड़ी कम हो जाती है, राइट? और अप्रैल मंथ तक ख़त्म हो जाता है. स्प्रिंग इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सीजन. मैनी काइंड्स ऑफ फ्लावर ब्लूम इन स्प्रिंग सीजन. सी द पिक्चर, देखिए, हैव यू सीन, देर आर सो मैनी फ्लावर्स, है ना, बहुत सारे फ्लावर्स हैं यहाँ पर. स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, बहुत सारे फ्लावर्स ब्लूम होते हैं, मतलब बहुत सारे फूल खिलते हैं, है ना, और हर जगह ग्रीनरी होती है, ट्रीज ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं, बहुत अच्छा वेदर हो जाता है, राइट किड्स? तो ये सब कब होता है, स्प्रिंग सीजन में, है ना. स्प्रिंग सीजन में फ्लावर्स खिलते हैं, ग्रीनरी हो जाती है सब जगह, ट्रीज पर न्यू लीव्स आ जाती हैं, राइट? ट्रीज भी इतने अच्छे लगते हैं, ग्रीन ग्रीन, है ना. हम भी घर में अपने फ्लावर्स लगाते हैं,
right kids? So spring season is a very beautiful season. Okay, next is summer season. Summer season abhi aane wala hai na? So that is summer season. Jab bahut garmi padti hai. People like to be cotton cloth and light colors. Right? Logo ko kaise cheeze achhi lagti hai garmiyon mein? Kaise kapde pehante hai log? Cotton clothes, right? Which clothes? Cotton clothes and light color, hai na? Bahut dark color nahi pehante. Kaise color pehante hai? Light colors. Light means jaise white color, pink color, right? Light colors pehante hai. Usse kya hota hai? Hame garmi thodi kam lagti hai because light colors hote hai na? Wo bahut light hote hai, halke hote hai. Usse hame garmi कम लगती है. The sun is very hot in summer season. Okay, summer में sun कैसा हो जाता है? बहुत hot हो जाता है, right? Life becomes impossible without fan, cooler, AC, right kids? गर्मियों में क्या होता है? हमें किसकी जरूरत ज़्यादा होती है? Cooler की, fans की, है ना? और AC की. हम इनके बिना नहीं रह सकते हैं क्योंकि हमें बहुत गर्मी लगती है. अभी हमें बहुत गर्मी लगती है ना. विदाउट फैंस क्या हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते क्योंकि हमें तो बहुत गर्मी लगती है. तो हमें कूलर भी चलाना पड़ता है, एसी हम ऑन कर लेते हैं, राइट? जब हम रूम में जाते हैं तो वी लाइक टू ड्रिंक कोल्ड वाटर, जूसेस, शेक्स, राइट? हमें कैसी चीज़ें अच्छी लगती हैं? ठंडा पानी अच्छा लगता है, जूस अच्छा लगता है, शेक्स अच्छे लगते हैं, है ना? एंड वी गेट समर वेकेशंस एंड पीपल गो टू विजिट हिल स्टेशन ड्यूरिंग दिस टाइम, राइट? समर वेकेशंस मिलते हैं ना हमें मई जून में. हमारी छुट्टियां वैसे तो अभी भी चल रही हैं, है ना? बट मई और जून में हमारी छुट्टियां लग जाती हैं. फिर हम कहाँ जाते हैं घूमने मम्मी पापा के साथ? हिल स्टेशन पर, है ना? वहाँ थोड़ी सी ठंडी होती है, थोड़ा मौसम अच्छा होता है. वेदर कैसा होता है वहाँ पर? थोड़ा अच्छा होता है. हमें अच्छा फील होता है वहाँ जाके. गर्मी थोड़ी कम होती है, राइट? तो कैसा मौसम होता है वहाँ पे? अच्छा हो जाता है. गोवा जाते हैं हम घूमने के लिए, राइट? वहाँ पे ऐसा बीच होता है, सी होता है ना, वहाँ पे ऐसा बीच होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है. हम बहुत इन्जॉय करते हैं. और हम कैसे क्लोथ्स पहनते हैं? लाइट क्लोथ्स, है ना? हल्के हल्के क्लोथ्स पहनते हैं, राइट? ओके किड्स, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू अंडरस्टैंड दीज टू सीजन्स वेरी वेल, राइट? आपको समझ में आया ना इस वीडियो में? एंड यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ दीज सीजन्स. ओके, आपको ये टू सीजन्स के नेम लर्न करने हैं. कौन कौन से सीजन? स्प्रिंग सीजन एंड समर सीजन. ओके, यू हैव टू लर्न. एंड द अदर थ्री सीजन वी विल अंडरस्टैंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है? और जो हमारे थ्री सीजन्स अभी बचे हैं उनके बारे में मैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. ओके किड्स, बाय बाय, टेक केयर.